Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Ask HSC, and today our topic is hazard and risk. ये बहुत ही common subject है, फिर भी कहीं पे कुछ ना कुछ mind में doubt रह जाता है. Hazard क्या है, risk क्या है, examples क्या है. तो इस video के माध्यम से हम जानेंगे hazard का definition, risk का definition और कुछ examples के through हम ये clear करेंगे hazard क्या है और risk क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं हैजर्ड से. व्हाट इज हैजर्ड? ए हैजर्ड इज एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और बिहेवियर दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी, इल हेल्थ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट. मतलब एक खतरा जिससे किसी वस्तु, स्थिति, व्यवहार, संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है. हैजर्ड अलग अलग तरीके से हार्म कर सकते हैं पीपल, मतलब इंसान को, एसेट्स, संपत्ति को, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण को, और रेपुटेशन मतलब इमेज, कंपनी का इज्जत. हैजर्ड कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, ये सब कंपनियों में अलग अलग होते हैं, पर कुछ कॉमन हैजर्ड हैं, कुछ आप इस इमेज के थ्रू आप समझ पाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये कॉमन हैजर्ड है, सभी कंपनीज के अंदर होता है. केमिकल, यस, अगर आपकी कंपनी में कुछ केमिकल यूज़ किया जाता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं या कंपनी में कोई केमिकल यूज होता है तो भी एक खतरा है. वर्किंग ऑन लैडर, ये खतरा है. वर्किंग ऑन हाइट, ड्राइविंग, स्लिपरी फ्लोर, नाइफ, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हैजर्ड के. तो हम समझ लेते हैं रिस्क क्या है. सो रिस्क टेक इंटू कंसिडरेशन द लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म ऑकरिंग एंड द सिवियरिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हार्म. मतलब जो जोखिम है वो क्या है, जोखिम मतलब जो हैजर्ड है, जो हैजर्ड से जो रिजल्ट निकलने वाला है वो सब क्या है, रिस्क है. एक केबल, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये केबल है जो कि जो एक्सेस है उसमें यूज किया जा रहा है, आने जाने वाला जो रास्ता है उधर इसको वो रखा हुआ है. तो अभी कोई भी आदमी इधर एक्सेस को यूज़ करेगा तो उसमें क्या होगा, स्लिप ट्रिप फॉल्स हो जाएगा, गिर जाएगा, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा वो क्या है, रिस्क है. ये एक रिस्क का फार्मूला है. रिस्क क्या है, रिस्क इक्वल टू सिवियरिटी कॉन्सिक्वेंसेज मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड. मतलब उसकी रिजल्ट्स क्या हैं और उसके लाइकलीहुड मतलब उसका चांसेस कितने हैं. रिस्क कैन बी मैनेज बट नेवर बी एलिमिनेटेड. मतलब रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, वो कैसे, उसमें कंट्रोल्स को यूज करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ना कि रिस्क को ख़त्म किया जा सकता है. कभी भी हम रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, हैजर्ड्स और रिस्क के अंदर. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हैजर्ड से. वाटर क्या है, एक हैजर्ड है. जंपिंग इन विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम, वो क्या है, रिस्क है. मतलब आप जानते नहीं हैं स्विमिंग कैसे करना है और पानी के अंदर आप स्विमिंग करने के लिए उतर जाते हैं तो वो क्या है, रिस्क है. ड्राइविंग, वो एक हैजर्ड है. और ड्राइविंग के दौरान आप टेक्सटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल को अटेंड करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, वो सब क्या है, रिस्क है. तो जो रिस्क है उसके रिजल्ट्स तो कुछ ना कुछ होंगे. तो आप टेक्सटिंग कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी, रिजल्ट्स क्या होंगे. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, हैजर्ड और रिस्क में. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच.